हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक इन अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है कोर्स करने की, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, कितने इंस्टीट्यूट हैं जो इस कोर्स को ऑफर करते हैं और कौन सा इंस्टीट्यूट इनमें सबसे अच्छा है जिसमें आपको ये कोर्स करना चाहिए, एंड एडमिशन प्रोसेस ऑल्सो कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। एट लास्ट मोस्ट अवेटेड पार्ट, आपकी सैलरी क्या होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, फर्स्ट व्हाट इज बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स। बेसिकली फ्रेंड्स, ये 3 साल कोर्स होता है और कोर्स में ड्यूरिंग कोर्स आपका प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट होने के बाद आप सिप पे जाते हैं एज अ डेक कैडेट और धीरे धीरे आपके प्रमोशन होते हैं, सीओसी एग्जाम होते हैं और आप कैप्टन तक पहुंच जाते हैं। रफ आइडिया। नेक्स्ट, आप मेडिकली फिट होने चाहिए एज पर डीजीएस नॉर्म्स। हाइट होनी चाहिए मोर देन 157 सेंटीमीटर। वेट होना चाहिए मोर देन 48 केजी। आपका एज होना चाहिए 17 ईयर्स टू 25 ईयर्स तक। नाउ अकेडमिक्स एलिजिबिलिटी, आपके 12th क्लास में जो एवरेज मार्क्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मोर देन 60% होने चाहिए। इंग्लिश मार्क्स हैं मोर देन 50% होने चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, एक एग्ज़ाम होता है IMUCT। ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है, आपकी रैंक आती है उस रैंक के बेस पे आपका एडमिशन होता है। सेकंड, IMUCT के साथ साथ कई कॉलेज ऐसे हैं जो कि खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। IMUCT क्वालिफाई इन मैंडेटरी, उसके साथ साथ जैसे तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट है उसमें TMI सेट का एग्ज़ाम होता है। अगर आप BSc एस्पिरेंट हैं आपको पता हो। सो TMI सेट एग्ज़ाम होता है, तोलानी का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो आपको क्वालिफाई करना होगा, उनका इंटरव्यू होता है। 12th पास विथ PCM मोर देन 60% मार्क्स, IMUCT, देन कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनका इंटरव्यू, फिर उनका मेडिकल। सो ये एडमिशन प्रोसेस होता है फ्रेंड्स बेसिकली। नाउ कॉलेज, कितने कॉलेज इंडिया में हैं जो कि इस कोर्स को ऑफर करते हैं। फ्रेंड्स, राइट नाउ इंडिया में 23 DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हैं जो कि BSc नॉटिकल साइंस कोर्स को ऑफर करते हैं। सो मेक श्योर आप जब भी कोर्स करें इन 23 इंस्टीट्यूट में से ही करें। DNS में एक्चुअली क्या होता है, आप स्पॉन्सर्ड होते हैं तो कॉलेज पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहते, लेकिन BSc में आपको कैंपस प्लेसमेंट लेना होता है। सो मेक श्योर अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लें। सो मैं रिकमेंड करूँगा BSc नॉटिकल साइंस के लिए आप इस यूज़ करें तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट। आप जब कॉलेज में होते हैं तो सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में आपका प्लेसमेंट हो जाता है। नाउ फीस क्या होती है कोर्स की। फीस बेसिकली इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करती है, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करती है फीस, फ्रॉम 9 लाख टू 20 लाख। लाइक फीस ऑफ गणपति यूनिवर्सिटी इज़ 10.2 लाख राइट नाउ और तोलानी की है अबाव 15 लाख। सो फीस वेरी करती है। नाउ फ्रेंड्स, आपने BSc नॉटिकल साइंस में एडमिशन लिया, आपका कैंपस प्लेसमेंट हो गया और आपका कोर्स कम्प्लीट हो गया, उसके बाद आप सिप पे जाएंगे एज अ डेक कैडेट। सबसे पहले तो सैलरी होती है मर्चेंडे में फिक्स नहीं होती, वेरी करती है वो कंपनी पे। अगर आपकी कंपनी अच्छी है आपको सैलरी अच्छी देगी। सेकंड, आपका जो वेसल है उस पर डिपेंड करती, गैस कैरियर ऑयल टैंकर है तो आपकी सैलरी हाईएस्ट होगी। सो अगर आपने DNS किया है या फिर BSc नॉटिकल साइंस की है के बाद आप सिप पे जाएंगे एज अ डेक कैडेट। डेक कैडेट की सैलरी होती है 300 USD टू 650 USD, मीन्स इंडियन रुपीज़ 22K टू 40K। आपको 12 मंथ की सेल करनी है एज अ डेक कैडेट। 12 मंथ्स ये एक्सपीरियंस होने के बाद आप COC एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, सेकंड मेट एग्ज़ाम के लिए। सेकंड मेट एग्ज़ाम देने के बाद, क्लियर करने के बाद आप बन जाएंगे थर्ड ऑफिसर। थर्ड ऑफिसर की सैलरी होती है 1000 USD टू 3800 USD, मीन्स इंडियन रुपीज़ 75K टू 2.8 लाख। थर्ड ऑफिसर बनने के बाद आपको कंपनी सेकंड ऑफिसर डायरेक्ट प्रमोट करती है विदाउट एनी एग्ज़ाम। जब कंपनी को लगता है दैट यू आर कैपेबल तो आपको सेकंड ऑफिसर कंपनी ऑन बोर्ड आपको प्रमोट करती है। सो सेकंड ऑफिसर की सैलरी होती है 3800 USD टू 5000 USD, मीन्स इंडियन रुपीज़ 2.8 लाख टू 3.7 लाख। सेकंड मेट की COC निकालने के बाद आपको 18 मंथ्स का अगर एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद आप चीफ मेट की COC के लिए एलिजिबल होते हैं, मीन्स आप चीफ ऑफिसर बन सकते हैं COC निकाल कर आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ सेकंड मेट COC। एंड COC क्लियर होने के बाद आप हो जाएंगे सिप पे चीफ ऑफिसर और आपकी सैलरी होगी 5000 USD टू 12500 USD, मीन्स 3.7 लाख रुपीज़ टू 9.3 लाख रुपीज़।
चीफ मेट की COC के बाद अगर आपको 12 मंथ का एक्सपीरियंस हो गया देन आप मास्टर के COC के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आप कैप्टन बन सकते हैं COC निकाल के। सो कैप्टन की सैलरी क्या होगी? 12,500 USD टू 15,000 USD, 9.3 लाख टू 12 लाख रुपीज़, ये सैलरी होगी कैप्टन की, जो कि सिप पे हाइएस्ट होती थी। सो फ्रेंड्स, ये मैंने बताया आपको, आप एडमिशन लेने से कैप्टन बनने तक का आपका जो सफ़र है ऐसे आपको तय करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल रिप्लाई। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, DM करें, वहाँ पूछें आप। एंड अगर आप BSc नॉटिकल साइंस एस्पिरेंट हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है फ्रेंड्स, इसको कंप्लीट देखें, आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।